आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। कत्ल या खुदकुशी, एक और लड़की हो गई शौहर के हरासनियों का शिकार, मासूम बच्चे माँ के साए से हो गए मरहूम। तफसलात के मुताबिक सरू नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में दो मासूम बच्चों की मां ने अपने शौहर के हरासनियों से तंग आकर खुद की फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मरहुमा के घर वालों के मुताबिक उनकी लड़की ने खुदकुशी नहीं की बल्कि लड़की के शौहर और ससुराल वालों की जानिब से उनकी लड़की का कत्ल कर दिया गया। लड़की की शादी 2016 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। शादी के बाद से ही शौहर मजीद पैसे और जहेज के लिए मांग किया करता था और लड़की के साथ मारपीट किया करता था, उसे हरासा करता था। लड़की के घर वालों ने इस हरासनियों की शिकायत महिला मंडल और पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। मरहुमा के घर वालों के मुताबिक मरहुमा की लाश कहाँ है ये उन्हें अब तक नहीं पता चला। मरहुमा के घर वालों ने सरू नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मरहुमा के शौहर और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात जारी है। देखें ये रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ ये एक पेपर दिए, ये एक पेपर को पांच पांच बार लिखा है। अभी हम अभी अभी घर पे आए, हम 10 बजे गए थे, हम अभी अभी घर पे आए, अभी 4 बज रहे हैं, हम अभी घर पे आए, हमारे को ये दिए, हमारी बहन की कोई खबर नहीं दी हमारे को, वो कहाँ पर है, उसको उस्मानिया में रखे या गांधी में लेके गए या फिर कौन से फ्रीजर में रखे, हमारे को कुछ भी नहीं दिखाया, हमारे को कुछ भी डिटेल नहीं दिए। हम घर पे जाने के बावजूद भी उनकी बॉडी वहाँ पर नहीं थी, कौन लेके गए, कैसा वो कहाँ पर लटकी थी, कैसा लटकी थी, कौन उतारे उसको, हमारे को कुछ भी खबर नहीं है। हमारे को बिना बताए बिना बोले सिर्फ इतना बोले तुम्हारी बहन फांसी ले ली बस, हॉस्पिटल लेके गया सब, पुलिस मौजूद थी कहते हैं, नहीं पता हमारे को, वो भी नहीं बोल रहे, बात करने तैयार ही नहीं है वहाँ पे। साल हो गया 16 जनवरी को, 6 साल हुआ, 6 साल में कई बार उनके हस्बैंड उनको मारे तोड़े, हम लोग कंप्लेन भी कराए कई बार, फिर जैसमा वो लोग कब तक बिठा के रखते, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते बोल के पुलिस वाले समझा समझा के भेजते गए बच्ची को। परसों ही 3 महीने पहले बच्ची को इतना मारे, जबी भी बहुत बुरी तरीके से मारे, उसकी वीडियो भी है हमारे पास, बच्ची चल भी नहीं पा रही थी। अपना कंप्लेन करे थे जब? जी करे थे, कंप्लेन का वो भी हमारे पास था। तो क्या करे थे पुलिस वाले, एक्शन क्या लिए थे? एक्शन कुछ भी नहीं लिए, उसको समझा के धमका के भेज दिए, बोले क्या काउंसलिंग कितने बार हुए? हम ये 3री बार है ये रिपोर्ट करके, महिला मंडल में भी गए, केस बुक नहीं करे थे उनके, नहीं दो करे फांसी ले लिए,